वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा था कि क्या वाकई कनाडा ने यूएई वालों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है, तो क्या ये गुड न्यूज़ सही है या नहीं। उन दोस्तों ने मुझे हवाला दिया कि कुछ दिनों से वो लोग वीडियोज़ देख रहे थे यूट्यूब पे कुछ लोगों की, जिसमें बताया जा रहा था, गुड न्यूज़ दी जा रही थी कि कनाडा ने यूएई वालों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। बिल्कुल, यूएई वाले कनाडा जा सकते हैं बगैर वीज़ा के, एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये गुड न्यूज़ आपके लिए नहीं है, ये मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या उन चैनल्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना ज़रूरी है। ये शर्त सिर्फ और सिर्फ यूएई के जो सिटीजन्स हैं, जो नेशनल है, जो वतनी जिनको बोला जाता है अरबिक में, उनके लिए, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये इंडियंस के लिए नहीं है, ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली या जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये बात नहीं है। यूएई कभी भी अपनी सिटीजनशिप किसी गैर मुल्की को नहीं देता। यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है यूएई में कि इतने साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। यहाँ पे आप सारी ज़िंदगी भी रहोगे, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले, बहुत पहले की बात है कि सिटीजनशिप्स दी हुई थी यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानीज़ को, इंडियंस को, बहुत सारे लोगों के पास थी सिटीजनशिप, लेकिन वो अपनी मर्जी से उन्होंने दी थी। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि लाजम आपको सिटीजनशिप मिलेगी। सिटीजनशिप मिलने का कोई रूल मौजूद नहीं है, तो आप खुश ना हो, ये गुड न्यूज़ जो थी ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूएई के मेन सिटीजन्स हैं, अरबिक लोग, और किसी के लिए नहीं है। अब सारी ज़िंदगी भी इधर लगा दो कि आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस को ट्राई करके आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, इस चक्कर में ना पड़े, इस खुशफहमी में ना रहें कि आप यूएई में अगर रेजिडेंट हैं, वर्किंग वीज़ा पे हैं या बिजनेस करते हैं और आप बगैर वीज़ा के कनाडा जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये शॉर्ट वीडियो थी, क्लियरिफिकेशन देनी थी लोगों को जो मिसगाइड हो रहे थे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में लिखें या मेरे फेसबुक पेज पर जाएं और वहाँ पर जाके सवाल पूछें। दूसरी बात, लाइव टेलीकास्ट होंगे जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा अपने फेसबुक पेज के थ्रू। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, जल्द से जल्द उसको लाइक कर लें, उसको फॉलो कर लें। उसका लिंक मैं अपनी वीडियो की कमेंट में दे दूंगा। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।